अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फेथफुल नॉर यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं असिस्टेंट BS16 प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 2016 पार्ट वन। क्वेश्चन वन है, द ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म गर्ल इन द रिवर वाज डायरेक्टेड बाय। ऑस्कर विनिंग जो डॉक्यूमेंट्री है गर्ल इन द रिवर, वो किसने डायरेक्ट की होगी? शर्मीन उबैद चिनोई ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर टू है, डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन। डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज कब मिला? 1979 में, ऑप्शन बी 1979। क्वेश्चन नंबर थ्री है, 2016 समर ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड इन। 2016 समर ओलंपिक गेम्स जो है कहाँ पर हेल्ड हुई? रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फोर है, मोहम्मद आसिफ इज़ द फेमस प्लेयर ऑफ। मोहम्मद आसिफ जो है फेमस प्लेयर है वो है स्नोकर का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फाइव है, सुहेल अब्बास इज़ फेमस प्लेयर ऑफ हॉकी, ऑप्शन बी। सुहेल अब्बास जो है वो हॉकी का मशहूर प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आयशा जलाल इज़ प्रोमिनेंट इन द फील्ड ऑफ। आयशा जलाल है वो किस फील्ड में प्रोमिनेंट है? वो है हिस्ट्री में, ऑप्शन बी। आयशा जलाल इज़ अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट अमेरिकन एकेडमिक्स हु राइट्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। तो आयशा जलाल जो है वो प्रोमिनेंट है अमेरिकन एकेडमिक्स में, जिसने हिस्ट्री लिखी साउथ एशिया की। क्वेश्चन नंबर सेवन है, जावेद गमडी इज़ प्रोमिनेंट इन द फील्ड ऑफ। जावेद गमडी जो थी है वो प्रोमिनेंट है इस्लामियात में, ऑप्शन ए। जावेद अहमद गमडी, बॉर्न अप्रैल 18, 1951, ये 18 अप्रैल 1951 में पैदा हुए, इज़ अ पाकिस्तानी मुस्लिम थियोलॉजियन, कुरानिक स्कॉलर, इस्लामिक मॉडर्निस्ट, एग्जीगेट एंड एजुकेशनिस्ट। ही इज़ आल्सो द फाउंडिंग प्रेजिडेंट ऑफ अल मवर्दी इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंस एंड इट्स सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन डैनिश सारा। तो ये अल मवर्दी इंस्टीट्यूट के प्रेजिडेंट भी रहे और इनकी बहुत सारी अचीवमेंट भी थी। ये थे मुसलमान, तो ये मशहूर थे इस्लामियात में। क्वेश्चन नंबर एट है, मोहसिन हमीद इज़ फेमस फॉर। मोहसिन हमीद जो है वो फेमस है एज एन इंग्लिश राइटिंग, तो इंग्लिश राइटिंग में मशहूर थे वो, ऑप्शन ए। मोहसिन हामिद बॉर्न इन 23 जुलाई 1971 इज़ अ ब्रिटिश पाकिस्तानी नावलिस्ट। ये ब्रिटिश पाकिस्तानी नावलिस्ट है, इसने नावल जो उसके मशहूर नावल हैं वो हैं माउथ स्मोक 2000 में लिखा, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट 2007 में लिखा, हाउ टू गेट फिल्दी रिच इन राइजिंग एशिया 2013 में, एंड एग्जिट वेस्ट 2017 में। तो ये इसके मशहूर नावल हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, अब्दुलरहमान चुगताई वास अ प्रोमिनेंट नेम इन द फील्ड ऑफ। अब्दुलरहमान चुगताई जो है वो किस फील्ड में प्रोमिनेंट थे? वो पेंटिंग में। अब्दुलरहमान चुगताई वास अ पेंटर एंड इंटेलेक्चुअल फ्रॉम पाकिस्तान हु क्रिएटेड हिज ओन यूनिक डिस्टिंक्टिव पेंटिंग स्टाइल इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल आर्ट, मिनीचर पेंटिंग आर्ट, नोवियो एंड इस्लामिक आर्ट ट्रेडिशन। तो ये मुग़ल एम्पायर पे और मुग़लों पे जो है वो बहुत सारी पर्सनल आर्ट्स जो है बनाते हैं, तो ये बहुत मशहूर पेंटर हैं अब्दुलरहमान। क्वेश्चन नंबर टेन है, अदीब रिजवी इज़ फेमस फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिसन। अदीब रिजवी जो है वो अपनी फील्ड में फेमस है, वो किस फील्ड के थे? मेडिसन के थे। सैयद अदीबुल हसन रिजवी इज़ अ पाकिस्तानी फिलंथ्रोपिस्ट, डॉक्टर, रिनाल ट्रांसप्लांट, रेनल ट्रांसप्लांट सर्जन एंड फाउंडर ऑफ द सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी। तो ये फाउंडर भी हैं सिंध इंस्टीट्यूट यूरोलॉजी के एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ SIUT, द लार्जेस्ट किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर इन पाकिस्तान, जो कि लार्जेस्ट किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर है वो पाकिस्तान का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सना मीर इज़ अ प्रोमिनेंट नेम इन द फील्ड ऑफ। सना मीर जो है वो क्रिकेट में मशहूर है, ऑप्शन डी क्रिकेट। सना मीर बॉर्न ऑन 5 जनवरी 1986। सना मीर जो 1986 में पैदा हुए थे, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि
पाकिस्तानी क्रिकेटर थी हु सर्व्ड एज अ कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल वीमेंस क्रिकेट टीम इन ODIs एंड T20s। तो ये पाकिस्तानी कैप्टन भी रही है T20 में और वनडे इंटरनेशनल में भी। शी प्लेड इन 226 इंटरनेशनल मैचेस। इसने 226 मैचेस खेले इंक्लूडिंग 137 ऑफ दोज एज ए कैप्टन ऑफ द साइड और 137 एज ए कैप्टन खेले। शी वॉज द फर्स्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान टू टेक 100 विकेट्स इन द वर्ल्ड ODIs। तो ये पाकिस्तान की पहली खातून है जिसने 100 विकेट्स हासिल की वर्ल्ड ODIs में, वर्ल्ड वनडे इंटरनेशनल में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हुसैन शहीद सार वर्दी अपॉन एस्ट्रांजमेंट फ्रॉम द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड अ पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड। हुसैन शहीद सार वर्दी ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था अवामी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान फर्स्ट लॉ मिनिस्टर वाज, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर कौन था? वो था जोगिंदर नाथ मेंडल। जोगिंदर नाथ मेंडल जो था वो पहला कानून का मिनिस्टर था। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डिस्टेंस बिटवीन कराची एंड लाहौर अलॉन्ग N5 इज़। डिस्टेंस जो है कराची और लाहौर का वो है N5 का है 1287 किलोमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 है, फोर्ट मनरो इज़ लोकेटेड इन प्रोविंस। फोर्ट मनरो जो है वो पंजाब में वाक़ है, लोकेटेड इन द डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ पंजाब। द हिल स्टेशन इज़ एट हाईएस्ट ऑफ 6470 फीट अबव द सी लेवल। तो ये 6470 फीट ऊंचा है सी लेवल से। तो ये डेरा गाजी खान में पंजाब में वाक़ है फोर्ट मनरो। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु ड्रू द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1946। तो किसने बॉर्डर लाइन जो खींची थी 1947 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? वो था सर साइरल रेडक्लिफ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भगत कबीर बाबा गुरुनाल एंड दादू दयाल वर ऑल एसोसिएटेड विद मूवमेंट। तो ये तीनों जो है वो किस मूवमेंट से, किस तहरीक से एसोसिएटेड हैं? वो हैं भक्ति, भक्ति मूवमेंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, दारुल उलूम देवबंद वाज इस्टेब्लिश्ड इन डैश डिस्ट्रिक्ट। दारुल उलूम देवबंद जो था वो किस डिस्ट्रिक्ट में बना था? वो शरणपुर में बना था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द मोपला अपराइजिंग टुक प्लेस इन प्रोविंस। मोपला जो था वो मोपला अपराइजिंग कहाँ पे टुक प्लेस हुआ था? वो था केरला में, इंडिया में। द कांग्रेस एंड खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द मैसिव प्रोपोर्शन इन द मलाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो खिलाफत मूवमेंट और मोपला मूवमेंट जो थी वो केरला में हुई। क्वेश्चन नंबर 20 है, चौधरी रहमत अली इशूड अ पम्फलेट एज हिज सोल्यूशन टू द इंडियन कम्यूनल प्रॉब्लम्स। इट वॉज कॉल्ड नाउ और नेवर। चौधरी रहमत अली ने एक पम्फलेट जारी किया जिसका नाम जो था नाउ और नेवर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन द सिटी ऑफ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो ढाका में बनी, ऑप्शन सी, ढाका बांग्लादेश में। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज अ पोलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश इन 1906 इन ब्रिटिश इंडिया। ये ब्रिटिश इंडिया में 1906 में बनी। इट स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट मुस्लिम मेजोरिटी नेशन स्टेट पाकिस्तान सक्सेसफुली लीड देन द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 बाय द ब्रिटिश एम्पायर। तो इसका मकसद था स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी मुसलमानों की मेजोरिटी के लिए और उसके बाद ये पाकिस्तान बनाने में कामयाब भी हुई 1947 में, जो कि ब्रिटिश एम्पायर का खात्मा हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाकिस्तान बिकेम अ रिपब्लिक कौन। पाकिस्तान जो है रिपब्लिक का दर्जा कब मिला इसको? ऑप्शन ए 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956 को ये पाकिस्तान रिपब्लिक बन गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, नोमिस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ क्वींस। नोमिस्टिक जो है वो क्वींस की स्टडी के लिए इस्तेमाल होती है, इसको नोमिस्टिक को स्टडी ऑफ क्वींस कहते हैं। द स्टडी ऑफ नोमिस्टिक्स एज इट अप्लाइज टू क्वींस इज ऑफ इन द रिसर्च ऑफ द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ द क्वींस टू डिटरमन देयर रियलिटी। तो ये क्वींस पर रिसर्च है और उसकी प्रोडक्शन के लिए, और उसको डिटरमन करती है कि ये कितनी रेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच
पेयर ऑफ वर्ड्स रेफर्स टू बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, तो कौन सा पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो बटरफ्लाइज और बर्ड्स को वाजे करता है, वो अवारी अपियारी, अपियारी और अवारी जो है वो ऑप्शन सी बर्ड्स और बटरफ्लाइज को नुमाया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पिक द ऑड वर्ड्स आउट, तो इसमें ऑड वर्ड्स जो है बाइसिकल, फैनी, रेलवे, ये तीनों चलने वाली चीज़ें हैं और ये फिश जो है वो तैरने वाली, तो इसमें ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो व्यूअर्स, फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।